नहीं, नहीं, जाने दो, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। हम वास्तव में मदद के लिए यहाँ हैं। ये जगह उसे तनावग्रस्त कर देती है। मुझे खुशी है कि ओली आपको यहाँ तक पहुँचने में मदद कर सका। यही कारण है कि हमने आपको पाया। ऐसा लगता है कि ट्रेन दुर्घटना ने हम दोनों को चोट पहुंचाई है। आप बहुत कुछ सह चुके हैं। आप स्पष्टीकरण के पात्र हैं। चलो भी। अरे, तुम ठीक होंगे। हम ठीक हो जाएंगे। सुनो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं दे सकता। यहाँ जो हो रहा है वह हम सबसे बड़ा है, और मुझे आपकी जरूरत है ताकि हम उन राक्षसों से बदला ले सके जिन्होंने आपको यातना दी है, जिन्होंने हमें यातना दी है। उन्होंने अकेले कार्रवाई नहीं की, वे मूल के शिष्य हैं। प्रोटोटाइप सम्मान करता है। Do the honors. The prototype जानता है कि हम आ रहे हैं। अब तुम भागने की कोशिश करो। इससे पहले कि आप उस सामने वाले दरवाजे तक पहुंचे, वह आपको मार डालेगा। यही कारण है कि मैं इतने लंबे समय तक उस भयानक मामले में फंसा रहा। उसने जो कुछ किया है उसके बारे में आपको कोई अंदाजा नहीं है। मुझे उसे मारने में मदद करने दो। आइए मैं सभी को बचाने में आपकी मदद करूं। हम सबने तुम्हें देखा है। आप कितने सक्षम हैं। तुमने हग्गी को मार डाला। तुमने मम्मी को मार डाला। आपने मुझे मुक्त कर दिया। आप इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। कैडनैप आ रहा है। वह अंतिम बाधा है। प्रोटोटाइप हमारे खिलाफ रखा गया है। हम यहाँ नहीं रह सकते। अपने आप को सुरक्षित रखें। ओली तुम्हें अच्छा कहेगा। तुम यहाँ हो और आपने इसे फिर से किया है। असंभव। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं जानता था कि तुम ऐसा करोगे। कैडनैप चला गया। लाल धुएं को मोड़ दिया जाता है। आपके धन्यवाद से सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अगर फिर भी कहाँ चलते रहना है तो आप सत्य पाने के पात्र हैं। आप अपने सहकर्मियों के कारण वापस आए। आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ। यह आपका उत्तर है। हमने इसे आनंद का समय कहा। मुझे इसका हर पल सुनना याद है। ये बहुत लंबा, बहुत पीड़ादायक रूप से लंबा चलता रहा। उन्होंने छिपने, भागने, कुछ भी करने, जीवित रहने की कोशिश की। मुझे उनका रोना याद है। क्या चल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? वे कौन सी चीजें हैं? रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? वे कौन सी चीजें हैं? संवेदनहीन वध। ये वास्तव में बस इतना ही था। उन्होंने सभी को मार डाला। दोषी निर्दोष कोई मायने नहीं रखता। उस सारी मौत ने कुछ भी ठीक नहीं किया। और फिर एक बार जब ये सब खत्म हो गया तो उन्होंने उन लाशों को नीचे खींच लिया जहां वे कभी नहीं मिली, और उन्होंने जीवित रहने के लिए शवों को खाया। इसके लिए, हर चीज के लिए प्रोटोटाइप को मरना होगा। जैसे ही हम नीचे पहुंचेंगे, हम लिफ्ट को वापस ऊपर भेज देंगे। बस कसकर पकड़ो, ठीक है? आपके
के बाद, ठीक है, एक बार जब हम मैदान पर उतरेंगे तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ तो है, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, नहीं, हम आ रहे हैं। अभी इंतजार करो, आओ आओ।